वीडियोग्राफी कर रहे, कसी आए बस सांगली आए ना। आप देखो जो बीएसटी के एम्प्लॉयज है ना, उनमें भी एक्साइटमेंट है। बस में कैश नहीं चलता है, तो आपको चाहिए आइदर चलो कार्ड या आपको चाहिए चलो ऐप। ये देखिए यहाँ पर मैं अपना चलो कार्ड बनवा रहा हूँ। जो एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा लगा बस का इंटीरियर वगैरह कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, दोनों तरफ से है। हाँ बहुत अच्छा है। कसी आहे पब्लिक, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैं था लंदन, वहाँ मैंने आपको एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की पूरा मैंने आपको टूर कराया था। अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो, अब इंडिया में लॉन्च हो चुकी है सबसे पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, और वो लॉन्च हुई है आमची मुंबई में। तो करंट लोकेशन आपको बता दूं, मैं हूं सीएसटी बस स्टॉप पर। अगर आप देखोगे तो यहां पर आज मैं आपके लिए पूरा एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूं, वो भी एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस पर, जिसको कल ही लॉन्च किया गया है। अब ये बता रहे हैं दादा फिलहाल बस गई है चार्ज होने, बाय 4 o'clock इट शुड बी हियर। तो करंटली आपको बता दूँ मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करें? नहीं, आपको स्टाइल पता तो है, कमान थोड़ा सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज, और आप ये बस डिपो देखिए, एक नई बस डबल डेकर इलेक्ट्रिक लॉन्च हुई है और वो भी एसी, और आपके सामने ब्लॉग नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस आ जाए, बस का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, एक बार आ जाए, पूरा आपको टूर कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ पूरा डिटेल में बताया जाएगा। और अगर आपको इंडिया की सबसे पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल करना है, तो आपको बता दूं बस में कैश नहीं चलता है, तो आपको चाहिए आइदर चलो कार्ड या आपको चाहिए चलो ऐप। ये देखिए यहाँ पर मैं अपना चलो कार्ड बनवा रहा हूँ। अगर आप 100 rupees का कार्ड बनवाएंगे तो आपको मिलेगा 50 rupees बैलेंस, 70 rupees का बनवाएंगे तो आपको मिलेगा 0 balance, बरोबर। तो आपके सामने आप मशीन देख लीजिए, बिल्कुल आप इंस्टेंट कार्ड बनवा सकते हो, विद इन मतलब 10 सेकंड में आपका ये कार्ड बन जाता है। आप यहाँ पर आइए जब भी आपकी बस है, और आप देख लीजिए यहाँ पर चलो कार्ड के ये हमारे दादा हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर ये आपका चलो कार्ड बनवाते हैं। तो दादा मेरा 100 rupees का कार्ड बनाइएगा, है ना, 100 rupees का, जिसमें आपको जिसमें मेरे को 50 rupees बैलेंस मिलने वाला है। आप देख रहे हो मतलब विद इन नो टाइम आपका चलो कार्ड बिल्कुल तैयार हो जाता है। दिस इज़ ये देखिए, ये मेरा कार्ड हो गया तैयार। दिस इज़ डिजिटल इंडिया, ये हुई ना कुछ बात। ध्यान रखिएगा इस वाली एसी डबल डेकर बस में कैश नहीं चलता है, आपको ये कार्ड चाहिए या आपको चाहिए चलो ऐप। मैं कोशिश करूँगा, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऐप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मेरा 100 rupees का कार्ड, और इसमें आपने दे दिया 50 rupees का बैलेंस, बराबर, जो मेरे को अंदर बस में यूज़ करना। अब वो कैसे यूज़ करना है वो मैं सिस्टम आपको अंदर बताऊँगा। इनिशियली आपको बता दूँ प्लान ये था टू लॉन्च दीज बसेस इन August 2022, बट बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट डिलेज बस हो गई लेट, और फाइनली एटलीस्ट एक बस लॉन्च हुई है। आई कैन सी द एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। जो बसेस लंदन में चलती हैं, अब वो बसेस आपको मुंबई में अवेलेबल है। येस, आई कैन सी दैट एसी बस। तो पूरा टूर आपको दिया जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा स्टाफ भी लग रहा है टू मेंटेन दिस। आने वाले टाइम में अलग अलग रूट्स पर बता रहे हैं मार्च तक 30 या 35 बसेस चलाई जाएंगी एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक, कुर्ला के लिए, बीकेसी के लिए, अलग अलग रूट्स पर देखा जाएगा, बट फाइनल एक बस आ चुकी है। चलिए अब आपको एंट्री दिखाई जाएगी, इंटीरियर वगैरह सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाँ, और शेयर कीजिए जो इसमें ट्रैवल करने वाले हैं। कहूँगा बिल्कुल राइट टाइम हमारी बस आ चुकी है, और आप पब्लिक में एक्साइटमेंट देखिए, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। कसी आए बस सांगली आए ना। आप देखो जो बीएसटी के एम्प्लॉयज है ना, उनमें भी एक्साइटमेंट है। एसी इलेक्ट्रिक बस बाय स्विच मोबिलिटी, अब आपको अंदर लेके चलेंगे, पूरा इंटीरियर वगैरह, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ से NCPA कितना टाइम लगेगा करीब? 15 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट की जर्नी। चलिए अंदर लेके चलेंगे, पहले आपको पूरा आपको इंटीरियर दिखाएंगे। बट देखिए डबल डेकर बस क्या लगती है। अब तक ये बसेस, जैसे मैंने आपको बताया, अब तक ये बसेस सिर्फ लंदन में थी, बट अब मुंबई में ये बसेस
अवेलेबल है। चलिए अब आपको बस के अंदर लेके चलेंगे। रूल नंबर वन ध्यान रखिए, पीछे से आपको बोर्ड करना है, आगे से उतरना है, दैट इज ऑफिशियल। और जैसा मैंने आपको बताया था, अंदर कैश वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। आपको ये चाहिए चलो कार्ड, आपको बस बोर्ड करनी है। और देखिए यहाँ पर मशीन लगी हुई है, आपको कार्ड टैप करना है एंड यस सक्सेसफुल टैप इन, आपका बैलेंस हो गया डिडक्ट और आपको शो करेगा करंट बैलेंस कितना है। और आप आ जाइए अंदर, या तो आप लोअर डेक में बैठना चाहें, अपर डेक में बैठना चाहें, जैसे भी। ये देखिए ये बिल्कुल डिजिटल सिस्टम बसेस में, आप सोचिए गवर्नमेंट बसेस में लॉन्च हो चुका है। दिस इज टोटली न्यू एंड दिस इज समथिंग, ये बदलाव होगा अब देश में, वो आने वाले टाइम में देखिएगा। अभी और बसेस में सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली है। चलिए हमारे ड्राइवर काका तैयार, बस आप देख लीजिए निकलने के लिए तैयार। सबसे पहले आपको पूरा इंटीरियर दिखा दूं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हो गया। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक मशीन आपको आगे दी गई है, एक मशीन आपको पीछे दी गई है। ये देख लीजिए कंडक्टर दादा, कैश वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। आप देख लीजिएगा टोटल पैसेंजर कैपेसिटी 65, पूरा मैं आपको दिखा दूं। फुल एसी बस हो गई। इस तरफ चलेंगे तो पीछे से मैं आपको पीछे से ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर पूरा इंटीरियर, ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा ये पूरा ऊपर का नज़ारा आपको दिया गया है। वाह क्या हालचाल। टोटल बस का 65 पैसेंजर कैपेसिटी हो गई। और अगर आप मेरे से पूछें जो मज़ा ऊपर से ट्रैवल करने में है, आराम से जो मज़ा ऊपर से ट्रैवल करने में है, #आमची मुंबई का नज़ारा आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखिए अगर आप टूरिज्म के लिए ट्रैवल करने आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट, दिस इज़ समथिंग न्यू एंड दिस इज़ हैपनिंग ओनली इन आमची मुंबई। ये नज़ारे देखिए, डबल डेकर बस, एसी बस। और जैसा आपसे कहा दिस इज़ जस्ट वन बस, अभी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अराउंड 30-35 बसेस और लाने वाली है। इंटीरियर आप देख लीजिए फर्स्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा देखोगे, पैसेंजर पूरी बस अभी फ़िलहाल फुल है। हम जा रहे हैं CSMT2, हम जा रहे हैं NCPA, जिसकी कॉस्ट है वन वे की अराउंड 6 रुपीज़। बस की जर्नी लगभग मान लीजिए 15-20 मिनट की। बट ये मुंबई के नज़ारे जो आपको मिलते हैं देखिए, और अभी तो बस चलेगी फिर आप देखिए। देख लीजिए ये फ्रंट व्यू, अपर डेक से आपको क्या नज़ारे मिलते हैं। हमारा लास्ट स्टॉप आने वाला है, तो छोटी सी जर्नी 15-20 मिनट की जर्नी मेरी यहीं एंड होती है। हम पहुंच चुके हैं NCPA और एग्जिट के लिए भी आपको टैप करना है। यस टैप कीजिए, पेड 6 रुपीज, सेम बैलेंस, स्लिप निकाल लीजिए और आपकी जर्नी होती है खत्म। एकदम लाजवाब जर्नी, मैं तो कहूँगा लाजवाब। बेस्ट का आपको हिस्ट्री पता ही है, बट ड्राइवर दादा से बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले बताइए आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं दादा? हो गया 25 साल। 25 साल। अब ये बिल्कुल नई बस आपके हाथ में आई है, इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर। इसका तजुर्बा जो एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू अलग बस, कितना अलग है चलाने में? जूना बस से बहुत अलग है। अच्छा एकदम हल्का हल्का है, एकदम हल्का लगता है भागने में से। हाँ थकान नहीं आएगा ड्राइवर जी। और जो नॉर्मल बसेज हैं उसमें क्या AC वगैरह नहीं है ड्राइवर दादा के लिए? इसमें आपके लिए फुल AC है, तो मुंबई में जितनी गर्मी पड़ती है हम जानते हैं, तो उसके लेकर भी आपको आरामदायक। बराबर एकदम बराबर। तो आप जो पुरानी AC डबल डेकर बस, और पुरानी जो डबल डेकर बस थी नॉन AC, वो चलाना पसंद करेंगे कि ये वाला चलाना पसंद करेंगे? ये वाला पसंद करेंगे। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच गवर्नमेंट, इनके लिए एक लाइक बनता ज़रूर है। अब ये ट्रिप हो गई, एक तरफ की ट्रिप होती है कंप्लीट। आप देख लीजिए आई एम एट NCPA। अगर आप मुंबई से हैं, NCPA की फुल फॉर्म पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। 6 रुपये लगे, अब मैं जा रहा हूँ वापस, यहाँ से मैं जा रहा हूँ CST, 6 रुपये और देंगे और एक ट्रिप और करेंगे। मज़ा आ रहा है घूमने में। जो बस आप सोचिए, जो बस लंदन में चलती थी वो बस अब हमारी मुंबई में चलने लग गई। अब क्या चाहिए, मी आए मुंबई कर।
तो यहाँ से NCPA से वापस हमारा सफ़रनामा शुरू होने जा रहा है। आपको ये दिखा दूँ, बसेस बाय स्विच मोबिलिटी अगर आप देखोगे तो ये हो गया ग्रीन नंबर प्लेट, ये दैट इज़, ये हो गई इलेक्ट्रिक। आपको दिखा दूँ जो आसपास का पूरा एरिया है ना, अगर आप देखोगे दिस इज़ पूरा कॉरपोरेट एरिया, यहाँ पे बड़ी बड़ी MNCs के आपको ऑफिस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एम्प्लॉयज़ भी हैं, अब एम्प्लॉयज़ भी बस बोर्ड कर रहे हैं और वो शायद यहाँ से जाएंगे अब CSMT, बीच में भी बस रुकती है। बट ध्यान रखिएगा टाइमिंग्स का प्लस रूट का, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ न्यू बस, तो आने वाले टाइम में शायद थोड़े चेंजेस और हो। मैं कोशिश करूँगा, पूरी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जितना भी हो सकता है कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, बट जो जर्नी है ये कहना पड़ेगा। बट आप ये बस देखिए, क्या ज़बरदस्त, ये डबल डेकर बस क्या लगती है। अब ये बता रहे हैं कि 4 बजे के बाद बस वहाँ मेन अंदर स्टैंड में नहीं जाता है। तो अगर आप देखोगे जितने पैसेंजर्स हैं डबल डेकर के, सब की सब यहीं उतर गए। आप एरिया देख लीजिए, सब पूरा कॉरपोरेट एरिया, यहाँ पर सब पैसेंजर्स उतर गए। अब ये भी अच्छी बात है, मैं तो आपसे ये कहूँगा जर्नी करके आ गया इस बस में, बिल्कुल मज़ा। A115 ये जो आपका जो रूट हो गया। ब्लॉक की क्लोजिंग डबल डेकर बस के साथ, मेरे टोटल खर्च हुए 12 रुपीज़, यहाँ से CST से NCPA और वहाँ से वापस। ये देखिए, सच बता रहा हूँ, खुशी बहुत है, बस जर्नी करके आ गया, मज़ा। इसी बस में मैंने ट्रैवल किया था लंदन में, और अब मुंबई में भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, टाटा, टेक केयर। भाई साहब व्लॉगिंग करके सच में मज़ा आ गया।